पंचायत साठों की जो मीटिंग बुलाई गई है वो फैमिली आईडी से संबंधित बनाई गई है। सरकार की मंशा यह है कि हर परिवार को एक आईडी मिलनी चाहिए और जितनी भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, पेंशन हुई, किसान सम्मान निधि हुई या अन्य हैं, उनको सबको फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं उनके पास ऑलरेडी पहले से ही फैमिली आईडी है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको एक फैमिली आईडी बनवाई जाएगी। इसलिए पंचायत सहायकों को आज वो सूची उपलब्ध कराई गई पेंशन की और किसान सम्मान निधि की, जिनमें उनके पास राशन कार्ड नहीं है वो उनके पास घर घर जाएंगे और उनका ऑनलाइन आवेदन कराएंगे। उसके लिए वो 30 रुपये चार्ज भी कर सकते हैं। जनसेवा केंद्र वो चला रहे हैं, वो 30 रुपये के बारकोड पर करा के इसको अधिक से अधिक कराएंगे, जिससे कि उनकी पेंशन और किसान सम्मान निधि में कोई बाधा ना आए और शासन के निर्देशों का पालन किया जाए। सर, आज हमने इनको ये निर्देश दिए हैं कि फेस आईडी से अब इनकी ऑनलाइन क्या नाम है उपस्थिति लगाई जा रही है, जिसकी उपस्थिति फेस आईडी से 10:05 तक नहीं लगेगी या 10:30 तक नहीं लगेगी, उनको हम अनुपस्थित मानते हुए उनका मानदेय रोका जाएगा। और अगर लगातार 3 बार अगर ये लेट होते हैं तो 1 दिन का इनका अवकाश माना जाएगा। इस तरह के हमने निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालय समय से खुले, ये हमने निर्देश जारी किया।